आज आपके सामने दो विकल्प है. एक विकल्प कांग्रेस आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन है, जो सिर्फ वादे नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए संघर्ष करता है. हमारा गठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार जी है. दूसरी तरफ भाजपा और उनका अफसर वाले गठबंधन है, जो वादे तो लंबे चौड़े करता है लेकिन उन्हें पूरा करने में उसका कोई विश्वास नहीं. उन्होंने कहा था कि आप आवाज दोगे मैं सुन लूंगा, लेकिन क्या दालों और सब्जियों की आसमान को छूने वाली कीमतों पर उन्हें आपकी कड़ा सुनाई देती है? आज महंगाई की वजह से मेरी प्यारी बहनों को घर परिवार चलाना कितना मुश्किल हो गया. क्या आज उनकी आवाज मोदी जी को सुनाई दे रही है? बक्सर भोजपुर अच्छी खेती के लिए मशहूर. आज किसानों की उपज की ना तो सही कीमत मिल रही है, ना बोनस मिल रही है, ना ही खेती के जरूरत संसाधन मिल रहे हैं. जो मिल भी रहे हैं तो इतने महंगे हैं कि किसानों की पहुंच से बाहर. क्या मोदी जी को हमारे अन्नदाता किसानों की आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल नहीं. हाल के दिनों में गुजरात में हीरों के कारोबार से जुड़े 50,000 बिहार के लोगों की नौकरी चली गई और आपके यहाँ के हैं. उनके सामने जो बात की रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है, क्या इन परिवारों और बेरोजगार नौजवानों की आवाज मोदी जी को सुनाई दे रही है? प्रधानमंत्री जी जब भी बिहार आते हैं तो उन्हें बिजली की समस्या याद आती है, लेकिन जब खुद अपने चुनाव क्षेत्र में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था का वादा नहीं निभा पाए तो क्या आपके बिहार के लिए निभा पाएंगे?